वहीं आगामी 25 अप्रैल से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए तहसील प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। यात्रा के दौरान गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर संचालित होने वाली 42 दुकानों के संचालन के लिए तहसील प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 42 दुकानों के संचालन के लिए अभी तक 70 आवेदन पत्रों की बिक्री हो चुकी है, साथ ही 15 आवेदन जमा हो चुके हैं। दुकानों के आवंटन के लिए 4 मार्च तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं, साथ ही 14 मार्च को दुकानों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर पहले से ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, एक्टिव मोड पर है। इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और इसको लेकर तहसील प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया भी इस दौरान शुरू हो गई। प्रशासन की दुकानों का अलॉटमेंट करने के लिए 15 फरवरी से इसमें विज्ञप्ति जारी की गई है और वर्तमान तक जो है 70 आवेदन पत्र इसके लिए बिक्री हो चुके हैं और लगभग 15 आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं, वापस जमा कर चुके हैं। और इसकी लास्ट जो तिथि है 4 मार्च 2023 है और उसके बाद लॉटरी की तिथि 14 मार्च 2023 के दिन जो है लॉटरी खुलेगी इसकी।